सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि किसी पैंट की या प्लाजो की अगर थाई टाइट हो जाती है तो आप उसे किस तरीके से लूज करेंगे। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पैंट है, इसे हम करेंगे लूज़। तो देखिए, इसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी जो ये सिलाई होगी, ये वाली दोस्तों जो सिलाई होगी, हम इसे खोलेंगे, इस आसन को इस तरीके से इतना खोल लेंगे। तो हम इसे उल्टा कर लेंगे पहले, और दोस्तों उल्टा करने के बाद जो हमने जो ये सिलाई लगाई है आसन में, हम इसको सिलाई खोलने के बाद इसकी ओवरलॉक को भी कटिंग कर लेंगे। और ये जो साइड में ये जो सिलाई है दोस्तों, इसको भी खोलने के बाद थोड़ी थोड़ी यहाँ यहाँ तक हमें खोलनी है, और इसको भी जो है ओवरलॉक को कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हम खोल लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए कपड़ा हमने लिया है, क्योंकि पूरा मैचिंग का कपड़ा नहीं मिला था, ठीक है। तो इससे हम कपड़े को अच्छी तरह पहले प्रेस मारेंगे इस तरीके से, जिससे कि कपड़ा हमारा साफ हो जाए। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, आप इसे इस तरीके से लेके जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें म्यानी लगानी होगी यहाँ पर। तो हम इसे इतना कपड़ा कटिंग कर लेते हैं, ये जो किनारी है इसे कटिंग कर लेते हैं, इसमें खिंचाव होता है दोस्तों। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए आप इसे इस तरीके से जितना लूज़ करना चाहते हैं आपको ऐसे रखना है, और सिंपल आपको यहाँ पर ये कटिंग कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर गोलाई में कटिंग करेंगे। ये आपके देखिए इस तरीके से मियानी जो है कटिंग हो जाती है, ठीक है। ये अपनी की मियानी कटिंग हो जाएगी, और इसे आप बहुत जल्दी जो है लूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो आपको सिलाई बताई गई थी, हम इस सिलाई को खोल लेंगे, फिर आपको खोलने के बाद बताएंगे कि आप इस मियानी को किस तरीके से अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने सिलाई खोल ली है, और इस तरीके से आपकी दिखेगी जो गोलाई में हम कटिंग करते हैं, ओवरलॉक भी कटिंग कर ली है। और ये आपको इतना खोलना है कि ये जो आपकी मियानी है ये पूरी इतनी लग जाए आराम से, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आप खोलेंगे। और दोस्तों देखिए, इसमें कपड़ा हमारा मैचिंग का नहीं था, इसलिए जो कस्टमर है वो हमारे पास अपने आप लेके आई है ये कपड़ा, उन्होंने दिया। तो मैं आपको इसका बताता हूँ, ये मेरी बुटीक की ही अल्टर है जो कि उनकी टाइट हो गई थी। तो ये देखिए आपको अब किस तरीके से करना है, तो चलिए मशीन की तरफ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही जल्दी ये लूज़ हो जाती है ये तरीके से। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको जो एक साइड ही आपका जुड़ा हुआ था वहाँ से आप इसे इस तरीके से ऐसे उठाएंगे, और यहाँ पर देखिए एक हिस्सा ओरेब होता है, एक सीधा होता है। सीधे वाले हिस्से पर आप इस तरीके से निशान लगा लेंगे, जिससे आपको पता लगा ये सीधे वाला हिस्सा है। अब ये उल्टी साइड भी रहेगी, तो आप एक सीधे वाला हिस्सा उठा के इसको यहाँ से आपको इस तरीके से नापना है, क्योंकि गोलाई में होगा, तो आप इसे इस तरीके से नापते हुए इसे ऐसे सेट करें। और यहाँ पर दोस्तों आपको आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से इसे हल्का पक्का करना है छोटी सिलाई में, और उसके बाद दोस्तों इस म्यानी को आप लगाएंगे। तो चलिए हम इसे लगाते हैं, ये देखिए आप इसे लगाते हुए यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर इस जगह पर आप इसे पक्का कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी म्यानी लग चुकी है। अब यहाँ पर आप इसे हल्का नाखून लगा लें, जिससे कि सारा मार्जिन आपका इक्वल बैठ जाएगा, ठीक है। ये जो धागा है आप इस धागे को भी हैंड टू हैंड कटिंग कर लेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा था दोस्तों, आप इसको इस तरीके से ऐसे लेंगे, यहाँ पे हल्का सा पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद अब इसको आप सबसे पहले देखिए ऐसे करके, जो आपका ये आपका मियानी वाला हिस्सा है, इसको यहाँ तक सिलाई लगाते हुए लेके आएंगे, सीधी बिल्कुल निशान तक सीधी लगाने के बाद सिलाई आप इसे इस तरीके से करके आप इस तरीके से घुमाएंगे और सिलाई लगाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगी, और फिनिशिंग के साथ आपके जो है ये मियानी जुड़ जाएगी। अब इसे एक बराबर आप इसे सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे, और आप देखेंगे कि इक्वल आपका बिल्कुल बैठ गया मियानी में ये कपड़ा, और ये सिलाई लगा लें। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली, ये आपके यहाँ पर मियानी जुड़ चुकी है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि इस पर ओवरलॉक कर लो, लेकिन अगर आपके पास घर पर ओवरलॉक नहीं है तो आप इसे इस तरीके से करके एक सिलाई यहाँ पर लगा लो, ये सिर्फ मजबूती के लिए है दोस्तों, ठीक है। और अंदर की तरफ से मार्जिन आपका एक ऐसे जाएगा, दूसरे मार्जिन में आप इसे इस तरीके से रख लो, इस पर सिलाई लगा लो, फिर इसको ऐसे घुमाने के बाद आप यहाँ वाले हिस्से पे भी सिलाई लगा लो।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मियानी हमारी इस तरीके से लग चुकी है। बिल्कुल सेम यही तरीके से दोस्तों हम इधर भी आपके मियानी लगा लेंगे, और मियानी लगाने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसे जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे मियानी लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे अब आपको जो मियानी लगानी है, पहले हमने इसको ऐसे रखा था, लेकिन अब जो है हम इसको नीचे की तरफ में इस तरीके से रखेंगे मिला के, और नीचे की तरफ से ऐसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों बस इस तरीके से जोड़ना, बाकी तरीका बिल्कुल सेम है। तो चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं। इसमें भी सेम आप ऐसे मार्जिन करके नाखून लगा लें। नाखून लगाने के बाद इसमें भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने पहले करा था। आपको ऊपर से थोड़ा पक्का करते हुए लेके आना है। पक्का करके लाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे चौक का निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ इस तरीके से आपका निशान होगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए लानी है। ये देखिए, यहाँ पर लाने के बाद अब इसे आप बिल्कुल वैसे ही सेम जोड़ देंगे जैसे हमने पहले वाला जोड़ा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसे इस तरीके से जैसे हमारा आसन जुड़ा था दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर हम पक्का करेंगे इसे बारीक सिलाई से, और इसको जोड़ेंगे हम जैसे हमारा आसन जुड़ा था। देखिए सिलाई से सिलाई आपके यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे आप लेके आएंगे, यहाँ पे पक्का करेंगे। फिर ये वाला जो हिस्सा होगा दोस्तों, इसको आप बिल्कुल बराबर से ऐसे मिला लें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा और होता है, खिंचाव हो जाता है। इसे आप इस तरीके से बिठा के इसे हल्का राउंड में ऐसे घुमाएँ। घुमाने के बाद यहाँ पर लाने के बाद हल्का पक्का कर दें। फिर दोस्तों आप इसे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आएंगे, तो आप यहाँ पर इसको उतार देंगे मशीन को। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब एक सिलाई और लगा लेंगे तो मजबूती के लिए, उसके बाद हम इन सब में ओवरलॉक कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है अपनी मियानी लगा ली है। मियानी लगाने के बाद हमारी जो थाइज है वो बढ़ जाएगी। थाई किस तरीके से बढ़ेगी आपको मैं अब दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो थाई का नाप था वो ये था तैयार, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा थाई का नाप होगा, तो हमारा जो मियानी का हाफ हिस्सा होगा, ठीक है, इस तरीके से ये वाला हिस्सा आपकी तकरीबन यहाँ पे जो थाई बढ़ गई वो बढ़ गई 2.5 इंच की, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मियानी लगा लें, कभी भी आपकी पैंट में गलती होगी तो। बाकी आपको मैं यही बताऊंगा कि पैंट में मियानी वगैरह नहीं लगती, ये तो हल नहीं होता कुछ कि आप ख़राब ना हो जाए आपका कपड़ा, तो आप ये मियानी लगा लें। तो ये एक तरीका है बहुत आसान और बहुत जल्दी वाला कि मियानी लगाने का आपका आसन भी लूज़ हो जाएगा, आपकी थाई भी लूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके बॉटम टाइट है तो दोस्तों इसका कोई भी कोई भी तरीका नहीं है कि आप इसे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी थाई के ऊपर कि आप थाई अगर टाइट हो जाए तो आप इसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और साथ में आसन टाइट हो जाए तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसमें आसन भी आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं थाई के साथ साथ, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छे अच्छे और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।